देखिए लगभग डेढ़ वर्ष का समय बीत गया। भगवान प्रकट विश्वेश्वर की पूजा के लिए हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तत्कालीन जगत गुरु जी के आदेश से जा रहे थे, हमको रोक दिया गया। 108 घंटे तक अन्न जल छोड़ करके हम बैठे रहे, जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि न्यायालय में आप अपनी बात कहिए। हमने न्यायालय में अर्जी लगाई और कहा कि भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन होनी चाहिए, इसके लिए अनुमति करिए। अभी डेढ़ वर्ष का समय बीत गया, भगवान की पूजा अर्चना नित्य भोग के संबंध में जो अर्जी है, माने किसी के भोजन की, उसको भूखा रखा जा रहा है, तो डेढ़ साल का समय बीत गया, उस अर्जी पर विचार ही नहीं किया जा रहा है और तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या ऐसे मैटर पर इतने दिनों की तारीख दी जा सकती है? और अगर न्यायालय इस तरह से, जो जरूरी मामला है कि तत्काल इस पर निर्णय किया जाए कि भगवान का भोग लगे न लगे, हमको व्यवस्था बना दी जाए। हमने ये कहा है कि प्रकट विश्वेश्वर की प्रतिदिन की पूजा, उनका अभिषेक, उनका हमारा अधिकार है कि उनको हम अर्पित करें, उसके लिए कोई व्यवस्था बना दीजिए, वो बनाई नहीं जा रही है। तो हमने सोचा कि जब तक ये नहीं बनता है काशी चल करके, और अब तो ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारे दूसरे प्रमाण भी ताजे कर दिए गए हैं, यद्यपि पहले से ही वहाँ तो पुकार करके कहने वाले प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन ASI की रिपोर्ट से और भी उसको मजबूती मिली है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारे भगवान को पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको भोग राग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक उनके जहाँ पर विराजमान हैं, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके हम दूर से ही उनको देख करके प्रणाम कर लें, तो उसके लिए हमने यहाँ काशी आ करके यहाँ के प्रशासन को सूचित किया। आज सोमवार के दिन 3 बजे यहाँ से निकल करके 3:30 बजे परिक्रमा करने का हमने कार्यक्रम सूचित किया। 3 बज गया है, अब हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जैसा होगा। सर, पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से लगाई गई है, आपको निकलने न देने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, हमसे कल अधिकारीगण आए थे, उन्होंने कहा कि आप अभी ये मत करिए। हमने कहा कि कारण बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है इसीलिए। तो हमने कहा, देखिए 144 धारा आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी जानकारी में आ गई। वहाँ पर हजारों लोग वैसे भी हर समय दर्शनार्थी घूमते रहते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत सारी संख्या में वहाँ पर हर समय आते रहते हैं, उनके लिए 144 धारा नहीं है और हमारी परिक्रमा के लिए 144 धारा है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो हम 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने पर 144 धारा लगती है, हम 2 लोग जाएंगे मिनिमम, क्योंकि हमारी मर्यादा है, कम से कम एक व्यक्ति कम से कम हमारे साथ रहता है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अपनी जो मिनिमम मर्यादा है हमारी, कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, हम एक व्यक्ति को, ब्रह्मचारी को साथ में लेकर के परिक्रमा कर लेंगे, 2 लोग।